तो एक गांव में सुधा नाम की एक औरत पापड़ बनाने का काम करती थी और वह गांव में पापड़ बेचा करती थी। गांव के सभी लोग उसके पापड़ खा के बहुत तारीफ किया करते थे। एक दिन सुधा जब किसी दूसरे गांव से पापड़ बेचकर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे एक औरत मिलती है। औरत सुधा से कहती है कि तुम मुझे पापड़ बनाने की वह तरकीब बता दो, मेरे बेटे तुम्हारे पापड़ खाना चाहते हैं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। उस औरत को सुधा कहती है कि मैं तुम्हें एक ही छत पर पापड़ बनाने सिखाऊंगा अगर तुम मेरे पापड़ हर रोज बेच दो तो। आगे सुधा इस औरत को पापड़ बनाने सिखाती है कि नहीं, यह जाने से पहले अगर आप भी श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। सब्सक्राइब कर दो यार, एक सब्सक्राइब की तो बात है। सुधा को उस औरत की बात पर दया आ जाती है और अन्य लोगों की तरह सुधा को भी अपने काम पर रख लेते हैं और वह पापड़ बनाने उसको सिखा देते हैं।